हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फाइन टेक्निकल में। दोस्तों आज हम सीखेंगे इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरिफिकेशन कैसे करें, यानी ब्लू टिक कैसे पाएं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले हमें जाना होगा अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में। दोस्तों ये ओपन होने में टाइम ले रहा है। इसके बाद हमें जाना है प्रोफाइल पिक दिखाई देती है हमें लास्ट में कोने पे, इस पर क्लिक करना है हमें। उसके बाद ये ओपन हो रहा है, ऊपर दिखे तीन लाइंस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें सबसे लास्ट में आना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर हमें आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट, उस पर क्लिक करना है हमें। या फिर उसके बाद ओपन होने के बाद दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल पोस्ट के नीचे ऑप्शन दिया हुआ है रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, तो हमें इस पर क्लिक करना है। फिर हमें ये जो कैटेगरीज दी गई हैं, हमें जो फॉर्म फिल करने के लिए दिया है वो हमें भरना है। हमारा यूज़र नेम ऊपर आ रहा है, हमें अपना फुल नाम डालना है। चलिए फुल नेम डालते हैं, फुल नेम शिवम यादव, तो हमने फुल नाम भर दिया है। यहाँ पर भी शिवम यादव भर देते हैं। सेलेक्ट ऑफ कैटेगरी चुनना है आपको, किस कैटेगरी में आते हैं, मीडिया, स्पोर्ट, म्यूज़िक, फैशन या फिर अदर में। चलिए अदर पर क्लिक किया है। अब हमें एक को फाइल चूज़ करनी है यहाँ पर अपनी आईडी, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासवर्ड, आईडी या और कुछ भी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो चलिए हम आईडी लगाते हैं अपनी, हम अपनी आधार कार्ड की पिक लगाते हैं। तो दोस्तों हमने अपने आधार कार्ड की फ़ोटो लगा दी है, हमें सेंड पर क्लिक करना है। दोस्तों ये रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। तो दोस्तों ये हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। आप सोचेंगे यहाँ पर कुछ लिख के नहीं आया, ये लिख के नहीं आता है। अगर आपका अकाउंट इंस्टाग्राम की सारी शर्तों को पूरा करता है तो आपका अकाउंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। अगर आपका अकाउंट इंस्टाग्राम की सारी शर्तें पूरी नहीं करता तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।